हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे होंगे। आज का वीडियो है, उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज वगैरह चल रही है आप लोगों की, तो उसके अंदर सर्कुलेटरी जो सिस्टम वगैरह है, तो उसके अंदर हम लोग आज का वीडियो है उसके अंदर डिस्कस करेंगे ब्लड क्लोटिंग के बारे में, जो रक्त का थक्का वगैरह बनता है तो उससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चंस वगैरह इंपॉर्टेंट है वो भी हम लोग जानेंगे इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं इसके अंदर। जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी वगैरह है उसके द्वारा कंडक्ट करवाई जाएगी जो 2021 वाली जो एग्जाम वगैरह है कंडक्ट करवाई जाएगी, जो अब जैसे नेक्स्ट मंथ वगैरह का पॉसिबिलिटी वगैरह है उसके अंदर कंडक्ट करवाई जानी है, जो जूनियर डिपार्टमेंट के अंदर जिसका सपना वगैरह है एडमिशन्स वगैरह लेने का, MSc वगैरह करने का, तो ये प्रिपरेशंस वगैरह आप लोग कर सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल वगैरह को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस वगैरह आप सभी लोगों को मिलते रहे। आप लोगों के जो भी साथी वगैरह हैं उन सभी को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह है उसके अंदर जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड यानी कि रक्त का थक्का वगैरह जमता है तो वो प्रोसेस वगैरह होती है वो किस तरीके से इसके अंदर होती है, तो हम लोग बात करते हैं जब कटता है यानी कोई भी जैसे स्किन वगैरह होती है, ठीक है, तो ब्लेड से कट हो या फिर किसी भी कारणवश दुर्घटनाग्रस्त वगैरह हो जाए तो कट हो जाना यानी कि जहां से क्या होगा ब्लड का सिक्रीशन होगा, रिसाव वगैरह होगा, ब्लड वगैरह निकलेगा वहां से, तो RBC और WBCs वगैरह उसके अंदर कुछ नहीं होता है। जो प्लेटलेट्स वगैरह होती है ना वो क्या होती है विखंडित तो होती है, वो टूटती है वहां पे तो वो क्षतिग्रस्त वगैरह हो जाती है, तो वो किस तरीके से एक जालकनुमा स्ट्रक्चर रूप में कन्वर्ट हो जाता है, फाइब्रिन वगैरह के अंदर कन्वर्ट होता है, तो वो प्रोसेस किस तरीके से होती है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब देखिए क्लोटिंग ऑफ जो ब्लड वगैरह है तो किस तरीके से बनता है इसके अंदर, जैसे क्या होता है कि इसकी प्रोसेस वगैरह है, तो इसके अंदर देखते हैं चोटग्रस्त उत्तक वगैरह। देखिए क्या होता है कि जैसे खरोच की बात नहीं हो रही यहाँ पे, किसकी बात हो रही है, जब खरोच आ जाती है ना तो वहां पे क्या होता है प्लाज्मा वगैरह ऊपर दिखाई दे देता है आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियरली, ठीक है, तो उसकी बात नहीं हो रही, ये किसकी बात हो रही है चोटग्रस्त हो जाना, उसके अंदर जैसे ब्लड वगैरह निकलता रहता है जैसे क्लोटिंग वगैरह बनती है उसके अंदर उसकी बात वगैरह हो रही है, तो ये चोटग्रस्त हो जाता है, तो वहां से किसी भी कारणवश कट भी हो सकता है, कट जाने से या फिर बाद में किसी कारणवश लग जाने से खेल कूद के अंदर या किसी भी कारणवश लग सकती है, तो उस दौरान क्या होता है चोटग्रस्त उत्तक वगैरह वो किसका निर्माण यानी कि फॉर्मेशंस वगैरह करेगा, निर्मुक्त करेगा, सिक्रीट वगैरह करेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन वगैरह को, किसको सिक्रीट करेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन को निर्मुक्त करेगा, और प्लेटलेट्स का क्या होता है इसके अंदर विखंडन वगैरह होता है जिससे जो फॉस्फोलिपिड वगैरह है और प्लेटलेट फैक्टर वगैरह जो थर्ड वगैरह है यानी कि प्लेटलेट जो कारक थर्ड वगैरह है ये क्या होते हैं निर्मुक्त होते हैं, इनका जो सिक्रीशंस वगैरह होता है ये क्या होता है एक्टिवेट वगैरह हो जाते हैं वहां पे निर्मुक्त वगैरह हो जाते हैं, तो जो चोटग्रस्त वगैरह हो रहा है किसी भी कारणवश लग गई, लग जाने से क्या होगा कि थ्रोम्बोप्लास्टिन निर्मुक्त होगा और प्लेटलेट्स जो होगा उसका क्या होता है विखंडन वगैरह होता है टूटती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो ब्लड वगैरह होता है उसके अंदर WBCs RBCs प्लेटलेट्स वगैरह ये क्या होती है सर्कुलेट होती रहती है पूरी बॉडी के अंदर, तो इसकी वजह से क्या रहता है एक प्रॉपर सिस्टम वगैरह बना रहता है सर्कुलेशन वगैरह का, तो प्लेटलेट्स क्या होंगी विखंडित होंगी जिससे फॉस्फोलिपिड और प्लेटलेट फैक्ट जो फैक्टर वगैरह है ये क्या होगा इसके अंदर निर्मुक्त वगैरह होगा इसका निर्माण। अब इसके अंदर क्या होता है जैसे ब्लड वगैरह होता है ना तो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा वगैरह है जो उस प्लाज्मा के अंदर उपस्थित जो आप लोग भी जानते हैं प्लाज्मा प्रोटीन वगैरह और इसके अंदर जो कैल्शियम आयन वगैरह उपस्थित वगैरह है इनकी उपस्थिति की वजह से ये क्या होता है कि जो कैल्शियम आयन है और प्लाज्मा के अंदर उपस्थित जो प्लाज्मा प्रोटीन वगैरह है तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे एक एंजाइम वगैरह का निर्माण फॉर्मेशन वगैरह होता है जिसको क्या कहा जाता है थ्रोम्बोकाइनेज कहा जाता है, क्या कहा जाता है थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम वगैरह का निर्माण होगा या इसको कह सकते हैं हम लोग प्रोथ्रोम्बिनेज, क्या कह सकते हैं प्रोथ्रोम्बिनेज जो एंजाइम है उसका निर्माण होता है जिससे क्या होगा कि जो थ्रोम्बिन है प्रोथ्रोम्बिन वगैरह है क्या है जो प्रोथ्रोम्बिन वगैरह है जो किस अवस्था के अंदर होता है गुलनशील होता है लेकिन निष्क्रिय होता है, कैसा होता है निष्क्रिय होगा लेकिन गुलनशील होता है जो प्रोथ्रोम्बिन वगैरह ये क्या होता है कि जो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम वगैरह है और कैल्शियम आयन वगैरह इनकी उपस्थिति वगैरह के अंदर ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बिन के अंदर ये कन्वर्ट वगैरह हो जाता है और ये थ्रोम्बिन वगैरह ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट वगैरह हो गया, उसके बाद में क्या होता है फाइब्रिनोजन वगैरह होता है जो फाइब्रिनोजन क्या होता है कि घुलनशील अवस्था वगैरह के अंदर होता है, क्या होता है घुलनशील अवस्था में होता है वो ये जो थ्रोम्बिन का निर्माण हुआ था ना प्रोथ्रोम्बिन के द्वारा ये थ्रोम्बिन का जो फॉर्मेशन हुआ था ये थ्रोम्बिन क्या करता है एक एंजाइम की भांति यहाँ पे क्या करता है काम करता है एक्टिवेट वगैरह होगा यहाँ पे एंजाइम की भांति काम करेगा जिससे क्या होगा इसका बहुलीकरण वगैरह होता है, क्या होगा बहुलीकरण वगैरह होता है कि जैसे फाइब्रिनोजन वगैरह है ये किसमें फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट वगैरह हो जाता है पॉलीमराइजेशन वगैरह होगा बहुलीकरण वगैरह होगा जिससे ये फाइब्रिन एकलक के अंदर कन्वर्ट वगैरह हो जाता है,
फाइब्रिनोजन किस में कन्वर्ट होगा, ये थ्रोम्बिन वगैरह एक एंजाइम की बात ही काम करेगा, ये फाइब्रिन के अंदर, फाइब्रिनोजन फाइब्रिन के अंदर। फाइब्रिन क्या होती है, एक जालक नुमा स्ट्रक्चर वगैरह रहती है, एक जाली के समान संरचना वगैरह। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे करते हैं तो उस दौरान वगैरह क्या होता है, क्लोटिंग के अंदर समय लगता है 5 से लेकर 10 मिनट वगैरह का। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक जालक नुमा संरचना फाइब्रिन वगैरह आ जाती है, और उसके अंदर क्या होता है, ब्लड के अंदर आप लोग भी जानते हो प्लेटलेट्स वगैरह, WBC RBC एंड प्लेटलेट्स वगैरह, ये क्या होती है, सर्कुलेट होती रहती है। तो वो आके क्या होंगी, एक तरीके से जालक नुमा स्ट्रक्चर बन जाएगी, इस तरीके से ये जाली नुमा स्ट्रक्चर वगैरह यहाँ पे बना देते हैं, इस तरीके से ये जाली नुमा स्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है। तो ये जालक नुमा स्ट्रक्चर वगैरह इस तरीके से बन गई। अब यहाँ पे क्या WBC RBC जो प्लेटलेट्स वगैरह है, ये क्या होगी, आकर यहाँ पे फंस जाएंगे। फंसने से क्या होगा, ये आगे तो जा नहीं पाएंगे, ठीक है, सर्कुलेट यानी कि सिक्रेट वगैरह नहीं हो पाएंगी। इस वजह से ये पपड़ी नुमा स्ट्रक्चर वगैरह बन जाती है, जिसको क्या कहते हैं, क्लोटिंग वगैरह कहते हैं, यानी क्लोट वगैरह बन जाता है, वहां पे थक्का वगैरह बन जाता है, थक्का बन जाएगा, यानी कि फाइब्रिन एक एकलक के रूप के अंदर, एक जालीकर नुमा संरचना के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस अवस्था में होता है, घुलनशील अवस्था वगैरह के अंदर होता है। और ये क्या करता है, जो फाइब्रिन वगैरह है ना, जो कैल्शियम आयन और जो फाइब्रिन स्थिरीकृत कारक वगैरह, ये कौन सा है, फाइब्रिन स्थिरीकृत कारक वगैरह होता है, ये फैक्टर होता है, कौन सा, 13वां फैक्टर वगैरह होता है, कौन सा फैक्टर होता है, ये 13वां फैक्टर वगैरह होता है, फाइब्रिन स्थिरीकृत कारक वगैरह। कैल्शियम आयन और फाइब्रिन स्थिरीकृत जो कारक वगैरह है, इसकी उपस्थिति के अंदर ये फाइब्रिन पॉलीमर का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, फाइब्रिन एकलक का निर्माण हुआ था ना, यहाँ पे किसका निर्माण हो जाता है, फाइबर पॉलीमर का निर्माण हो जाता है, एक जालक नुमा, बड़े जालक नुमा स्ट्रक्चर रूप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है, फाइब्रिन पॉलीमर वगैरह, और फिर बाद में किस रूप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि थक्का बन जाता है, क्लोटिंग वगैरह बन जाती है वहां पे। तो ये प्रोसेस समझ में आ गई होगी। अब देखो इसी इस प्रोसेस को हम लोग 3 स्टेप वगैरह, ये इसी तरीके से स्टेप में थी, लेकिन इसको साइड के अंदर कन्वर्ट करके हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जब कट वगैरह हुआ है, कट हो गया ना, ठीक है, किसी कारण बस चोटग्रस्त वगैरह हो गए, क्षतिग्रस्त हो गए, तो प्लेटलेट्स वगैरह क्या होंगी, विखंडित होंगे, टूटेंगे, क्षतिग्रस्त होंगे, आरबीसी डब्ल्यूबीसी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वहां पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, थ्रोम्बोसाइट वगैरह, प्लेटलेट्स क्या होगी, क्षतिग्रस्त वगैरह होगी। उसके बाद में क्या होता है कि ये वायु के संपर्क में जब आ जाती है, वायु के संपर्क में जैसे ही आएगी, कौन, ये थ्रोम्बोसाइट वगैरह जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट वगैरह हो जाती है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन में कन्वर्ट हो जाती है। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन में कन्वर्ट हो जाती है। जो थ्रोम्बोप्लास्टिन वगैरह होती है, ये कैल्शियम वगैरह और जो प्रोथ्रोम्बिन वगैरह, अब देखिए जैसे ये क्या हो गया, कट वगैरह हो गया, कट होने के बाद में ये क्या बोलेगा, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन वगैरह है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलेगा कि कट हो गया, इसको क्या किया जाए, क्लोटिंग की जाए, यानी कि रक्त का थक्का वगैरह बनाया जाए। अब ये कैल्शियम, जो कैल्शियम आयन वगैरह है, ये बोलेगा मेरे अकेले से थोड़ा ना होगा काम वगैरह, ठीक है। तो ये कुंभकर्ण वगैरह नुमा, कुंभकर्ण की तरह बैठा रहता है, ठीक है, ये प्रोथ्रोम्बिन वगैरह, अब इसको जगाया जाएगा, यानी कि इसको स्टिमुलेट वगैरह करेंगे, ठीक है, स्टिमुलेट करेंगे, जिससे क्या होगा कि ये प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थ्रोम्बिन के अंदर। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलेगा कि अरे प्रोथ्रोम्बिन उठ, यहाँ पे आना कि कट वगैरह हो गया, ठीक है, बॉडी वगैरह के अंदर, कहीं भी पार्ट वगैरह के अंदर। तो ये क्या होगा, ये स्टिमुलेट करेंगे, जगाएंगे, जिससे ये किस में कन्वर्ट वगैरह हो जाएगा, थ्रोम्बिन के अंदर। ये प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म के अंदर था, यहाँ पे एक्टिव फॉर्म में आते हैं, किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट वगैरह हो गया, ये बात यहाँ पे है। इसके बाद में क्या होता है, थ्रोम्बिन वगैरह है, थ्रोम्बिन क्या होता है, जो फाइब्रिनोजन वगैरह है, थ्रोम्बिन क्या होगा, जो फाइब्रिनोजन है, तो इसकी उपस्थिति वगैरह के अंदर, फाइब्रिनोजन की उपस्थिति में किसमें कन्वर्ट वगैरह हो जाएगा, ये जो थ्रोम्बिन वगैरह है, इसको स्टिमुलेट वगैरह करे, एक्टिवेट वगैरह करेगा फाइब्रिनोजन वगैरह को। तो ये क्या करेंगे, फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट वगैरह हो जाएगा, किसमें, प्रोथ्रोम, जो फाइब्रिनोजन है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो फाइब्रिन जाली है, ठीक है, जालक नुमा जो स्ट्रक्चर वगैरह बनी है, तो ये क्या होते हैं, इसके अंदर आकर क्या होती है, WBC, ये रुधिराणु है ना, WBC RBC और प्लेटलेट्स वगैरह, WBC RBC और प्लेटलेट्स वगैरह, ये आकर क्या हो जाती है, जमा हो जाती है, एक तरीके से यहाँ पे आके फंस जाएंगी इस जालक नुमा स्ट्रक्चर में, फाइब्रिन के अंदर, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, रक्त का थक्का बन जाएगा, किस क्या क्या बन जाएगा, रक्त का थक्का बन जाएगा। अब देखिए क्या होता है कि जैसे फाइब्रिन वगैरह है, ठीक है, फाइब्रिन जालक नुमा स्ट्रक्चर रूप में अब बन गया और ब्लड का थक्का वगैरह बन गया, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे हम बात करते हैं कौन कौन सी प्रोटीन्स वगैरह यहाँ पे पार्टिसिपेट वगैरह करती हैं ब्लड का थक्का जमाने के लिए, और एक होता है कि हमारी बॉडी के अंदर उपस्थित रहता है एंटी, हम बात करें एंटी क्लोटिंग एजेंट वगैरह उपस्थित रहता है, जिसको क्या कहते हैं, हिपेरिन वगैरह कहते हैं, क्या कहते हैं, हिपेरिन वगैरह कहते हैं। ये क्या होता है कि जैसे बॉडी वगैरह है ना, तो बॉडी के अंदर उपस्थित वगैरह रहता है, ये बॉडी के अंदर के साइड के अंदर जो सर्कुलेशन वगैरह बना रहता है, ठीक है, तो ये अंदर के साइड में
जो ब्लड वगैरह होता है उसको जमने नहीं देता है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, जमने नहीं देगा, जो बॉडी वगैरह के अंदर सर्कुलेट हो रहा है ना ब्लड वगैरह चारों तरफ अपने बॉडी पार्ट्स वगैरह के अंदर, तो ये हिपेरिन नामक जो है तो ये क्या होगा, एंटी क्लोटिंग एजेंट वगैरह रहता है, तो ये क्या होता है ब्लड को थक्का नहीं बनने देगा, यानी कि जमने नहीं देगा। और फाइब्रिन और प्रोथ्रोम्बिन वगैरह ये क्या होती है, प्रोटीन्स वगैरह होती है, तो ये क्या करती है, निर्माण तो किसके अंदर होता है, लीवर वगैरह के अंदर। हिपेरिन का भी निर्माण कहां पे होगा, लीवर के अंदर होगा। इन तीनों का निर्माण तो लीवर के अंदर होता है, लेकिन जो फाइब्रिन और प्रोथ्रोम्बिन वगैरह, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन का काम क्या है, ब्लड का क्लोटिंग बनाना, यानी कि ब्लड का थक्का बनाना। लेकिन ये क्या करता है, हिपेरिन वगैरह ये ब्लड का थक्का नहीं जमने देता है। क्या होता है, ब्लड का थक्का नहीं जमने देगा। तो ये क्या होता है, इन सभी पे क्या होता है, भारी होता है एक तरीके से, सभी पे भारी पड़ता है। ये क्या हो? ये तो बोलेंगे फाइब्रिनोजन वगैरह और प्रोथ्रोम्बिन वगैरह, हम तो क्लोटिंग करेंगे यानी कि ब्लड का थक्का वगैरह बनाएंगे, लेकिन ये बोलता है नहीं मैं नहीं बनाने दूंगा ब्लड का थक्का वगैरह, ठीक है। तो कट हो जाते हैं, उस दौरान क्या होता है कि जब ये हिपेरिन वगैरह होता है ना, हिपेरिन अगर एयर के संपर्क में आ जाता है, यानी कि वायु के संपर्क में आ जाएगा ना, तो ये क्या हो जाता है, मृत हो जाता है, किल वगैरह हो जाता है। उस वजह से क्या होता है कि फाइब्रिन और प्रोथ्रोम्बिन वगैरह क्या करते हैं, ये ब्लड क्लोटिंग वगैरह बनाना स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग भी जानते हैं जब कट वगैरह होता है, ठीक है ना, कट होंगे, कट होने पे क्या होगा, वहां पे कट होते ही पोर वगैरह छिद्र वगैरह बन जाता है, एयर का संपर्क कॉन्टेक्ट वगैरह हो जाता है अपनी बॉडी वगैरह, तो बॉडी के अंदर डायरेक्टली तो ऐसा तो नहीं है कि सर्कुलेशन वगैरह हो रहा है और एयर का कॉन्टेक्ट वगैरह हो रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, वो तो सारा अलग पार्ट वगैरह की बात हो रही है, डायरेक्ट तोड़ना है एक तरीके से कॉन्टेक्ट में, ठीक है। तो ऐसा होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कट वगैरह हो गया, कट हो जाने के बाद में क्या होता है कि हिपेरिन होता है, तो ये क्या हो जाता है, एयर का कॉन्टेक्ट वगैरह तो हो गए, इस वजह से ये क्या हो जाता है, किल हो जाता है, मृत वगैरह हो जाता है। इस वजह से इन दोनों को फायदा मिल जाता है कि ये फाइब्रिन और फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन वगैरह, ये प्रोटीन वगैरह होती है, ये क्या होती है, ये ब्लड का थक्का बनाएंगी ऑब्वियसली, इस वजह से ये ब्लड का थक्का वगैरह इस तरीके से बनता है। और अगर देखो इसके अंदर क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग वगैरह के अंदर सिस्टम में जब भी कट वगैरह हो गया ना किसी भी कारणवश वगैरह, या क्षतिग्रस्त वगैरह हो गए, या टूट फूट किसी भी वजह से हो गई, यानी कि ब्लड वगैरह सिक्रीट वगैरह हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, जब भी दुर्घटना वगैरह होगी, ब्लड रुक नहीं रहा है, या फिर बाद में क्लोटिंग वगैरह बन नहीं रही है, ठीक है, बनेगी तो सही उसके अंदर जो टाइमिंग पीरियड वगैरह है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, क्षतिग्रस्त वगैरह रुधिर में स्कंदन होने के लिए, इसके अंदर जैसे थ्रोम्बोसाइट वगैरह की बात करते हैं हम लोग, तो रुधिर के जमने के लिए कौन सा रुधिराणु वगैरह काम में आता है, यहाँ पे थ्रोम्बोसाइट वगैरह आता है। कौन सा रुधिराणु आता है, थ्रोम्बोसाइट वगैरह। यहाँ पे प्रोटीन वगैरह की बात होती है, तो प्रोटीन कौन सी पार्टिसिपेट वगैरह करती है, ब्लड क्लोटिंग वगैरह के अंदर का थक्का वगैरह बनता है, फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन वगैरह। इसका निर्माण कहाँ पे होता है, लीवर वगैरह के अंदर होता है। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, तत्व या धातु वगैरह, ये कौन सी पार्टिसिपेट करती है, कैल्शियम वगैरह पार्टिसिपेट करता है। और विटामिन कौन सी होती है, के वगैरह, जैसे ब्रेन हेमरेज वगैरह होता है, तो उसके लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी होता है, विटामिन के उत्तरदायी वगैरह रहता है ब्रेन हेमरेज वगैरह के लिए। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि जैसे क्वेश्चंस वगैरह है, तो क्वेश्चन के बारे में लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन वगैरह, रुधिर का थक्का जमने की क्रिया में सहायक होता है, रुधिर का थक्का वगैरह होता है, ब्लड क्लोटिंग वगैरह होती है, उसके अंदर सहायक वगैरह कौन सा होता है, हिपेरिन होता है, या फिर बाद में हिस्टामिन होता है, सीरोटोनिन होता है, या प्रोथ्रोम्बिन होता है। अब देखिए ये किसकी बात हो रही है, ब्लड का थक्का जमने की बात हो रही है। हिपेरिन क्या होता है, ये ब्लड का थक्का नहीं बनने देता है, यानी कि ब्लड वगैरह है उसको क्लोटिंग नहीं होने देगा, जैसे ब्लड वगैरह के अंदर, ठीक है। तो ये किस कौन सा आएगा इसके अंदर, प्रोथ्रोम्बिन वगैरह आएगा, आंसर वगैरह सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह, विश्व में कितने प्रतिशत लोग आरएच पॉजिटिव वगैरह होते हैं, विश्व के अंदर कितने प्रतिशत लोग वगैरह है जो आरएच पॉजिटिव वगैरह है, 15%, 85% वगैरह, 85%, 30% या 50% वगैरह, 50%। तो इसके अंदर है जो आरएच पॉजिटिव कैंडिडेट्स वगैरह है, 85% वगैरह इसके अंदर उपस्थित वगैरह रहते हैं। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन वगैरह है उसका मुख्य कार्य वगैरह क्या होता है, इसका गैसीय एक्सचेंज वगैरह के अंदर काम आता है। तो रुधिर का लाल रंग प्रदान करना, देखिए हीमोग्लोबिन के कारण रुधिर का लाल रंग वगैरह होगा, लेकिन इसका मुख्य कार्य क्या है, गैसीय एक्सचेंज वगैरह का है इसके अंदर, तो ऑक्सीजन का परिवहन वगैरह, तो ये इसका मुख्य कार्य वगैरह है, ऑक्सीजन का जो परिवहन वगैरह करने का कार्य किया जाता है, ऑक्सीजन का परिवहन। रुधिर में जो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य की बात वगैरह होगी, ऑक्सीजन का इसके द्वारा क्या किया जाता है, परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह है, एक सामान्य वयस्क व्यक्ति में रुधिर दाब होता है, रुधिर दाब कितना होगा, इसके अंदर ब्लड प्रेशर की बात हो रही है, 80 से 120 mm जो HG के अंदर, या फिर बाद में 120 से 90 वगैरह, या 120 से 80 वगैरह। देखिए इसके अंदर कितना होता है, 120 से 80 होता है, 120 से जाएगा और 80
इसके अंदर क्या होगा, आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये सिस्टम वगैरह बना रहता है ब्लड प्रेशर के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह है, रुधिर के स्कंदर यानी कोआगुलेशन के लिए आवश्यक केटाइन है, इसके अंदर कौन सा केटाइन वगैरह इसके अंदर उपस्थित वगैरह रहता है जो ब्लड क्लोटिंग वगैरह बनेगी, स्कंदन वगैरह बनेगा उसके अंदर, तो इसके अंदर उपस्थित होता है कैल्शियम वगैरह। कैल्शियम यहाँ पे पार्टिसिपेट वगैरह करेगा और फिर बाद में ये क्या करता है, फाइब्रिन, जो फाइब्रिन वगैरह के अंदर कन्वर्ट वगैरह करेगा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट वगैरह करेगा। प्रोथ्रोम्बिन स्टार्टिंग में क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट वगैरह करता है, तो उस टाइमिंग पीरियड के अंदर जो कैल्शियम वगैरह होता है तो ये पार्टिसिपेट वगैरह करता है वहां पे। नेक्स्ट पार्ट की बात होती है, फाइब्रिन का उत्पादन कौन करता है, इसका फाइब्रिन वगैरह है इसका प्रोडक्शन वगैरह कौन करेगा, यकृत करता है या थ्रोम्बोकाइनेज वगैरह करता है। देखो थ्रोम्बोकाइनेज तो क्या होता है, एक एंजाइम वगैरह होता है जो कैल्शियम की उपस्थिति वगैरह के अंदर ये क्या हो, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट वगैरह करने का काम करता है। और इसके बाद में बात आती है प्रोथ्रोम्बिन और तो इसके अंदर प्रोटीन अपघटनी क्रिया वगैरह, और फर्स्ट है इसके अंदर यकृत वगैरह लीवर वगैरह, तो इसके अंदर फॉर्मेशन वगैरह किसमें, फाइब्रिन का उत्पादन किसके अंदर होता है, ये लीवर के अंदर यकृत वगैरह के अंदर होता है, तो फर्स्ट आंसर करेक्ट है। अब देखिए ये वाले पार्ट वगैरह की तो बात वगैरह हुई कि विटामिन के वगैरह इसके लिए उत्तरदायी होता है ब्रेन हेमरेज वगैरह के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह उसके लिए डिस्कस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हेगमेन कारक वगैरह कि ये किसका पर्याय वगैरह होता है, हेगमेन कारक वगैरह होता है ये कारक जो 12 होता है, ठीक है, तो कारक 12 का ये पर्याय वगैरह होता है। हेगमेन कारक वगैरह क्या होता है, जो कारक 12 वगैरह इसका पर्याय वगैरह होता है। नेक्स्ट बात करते हैं श्वेत रुधिराणु यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह है, श्वेत रुधिराणु यानी कि जो WBCs वगैरह होती है उसका कार्य क्या होता है, मेन फंक्शंस वगैरह ये क्या होते हैं, रोगों वगैरह होता है ना, रोग्स वगैरह, ठीक है, उनसे क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करने का काम वगैरह किया जाता है, शरीर से शरीर की रोगाणुओं से क्या करता है, सुरक्षा वगैरह प्रदान करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग रुधिर बैंक एवं RBC का कब्रिस्तान कहलाता है, यानी कि जिसको ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है या फिर बाद में जिसको कहते हैं RBC का कब्रिस्तान वगैरह, ग्रेवयार्ड के नाम से जिसको जाना जाता है उसको क्या कहते हैं, स्प्लीन कहते हैं, जहां वे मैक्रोफेजेज द्वारा नष्ट की जाती है, मैक्रोफेजेज के द्वारा नष्ट की जाती है, लाल अस्थि मज्जा, बोन मैरो नहीं होता है, वृक्क ये भी नहीं होता है, किडनी वगैरह, और इसके अंदर सी जो क्वेश्चंस वगैरह ये आंसर है प्लिया, जिसको स्प्लीन वगैरह कहा जाता है, आंत्र के अंदर नहीं होता है, ये किसके अंदर होगा, जिसको ब्लड बैंक वगैरह कहा जाता है, ये RBC का कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड के नाम से जाना जाता है, वो कौन होता है, स्प्लीन, प्लिया जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का स्कंदन रोका जाता है, रक्त का स्कंदन किसके द्वारा किया रोका जाएगा, हिपेरिन नामक जो पदार्थ होता है उसके द्वारा रोका जाता है, तो ये किसके द्वारा होता है, हिपेरिन के द्वारा, ठीक है, ये फर्स्ट आंसर ये क्लियर है इसका। इसके बाद में बात करते हैं थ्रोम्बिन वगैरह या प्रोथ्रोम्बिन वगैरह, ये तो क्या होती है, प्रोटीन कंटेंट वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं, ब्लड क्लोटिंग वगैरह करेंगे, लेकिन क्लोटिंग को रोकेगा कौन, स्कंदन वगैरह को, हिपेरिन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक वगैरह होता है, कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, विटामिन के आवश्यक वगैरह होता है, और ये ही क्या होता है, ये फर्स्ट आंसर क्लियर होता है इसका। और इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आप लोग भी जानते हैं ब्रेन हेमरेज के लिए विटामिन के उत्तरदायी वगैरह होता है। हिपेरिन सामान्यतः रक्त में उपस्थित होता है, जो बनाया जाता है किसके द्वारा बनाया जाता है, ये बनाया जाता है मास्ट कोशिकीय कण द्वारा के बनाया जाता है, किसके द्वारा, ये सी आंसर वगैरह इसका क्लियर होता है, मास्ट कोशिकीय कण द्वारा बनाया जाता है। तो ये आप लोगों के क्वेश्चंस वगैरह थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह ये सीरीज चल रही है, तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही गाइस वगैरह, और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल वगैरह को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन वगैरह आप सभी लोगों को मिलते रहे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।